हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। स्वामी माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम सबके बीच में आज इस महानवमी के धराधाम पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार करतल ध्वनियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत कर देगा, मंदिर का निर्माण कर देगा, उस सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं होगा। आपके समर्थन में आप सबका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। या क्या बात है, मैं तो यार आपका यह स्वरूप देख करके या कह सकता हूं कि आप सपा बसपा कांग्रेस की जमानत जब्त करा करके मन्नूलाल कोरी जी को फिर भेजने का काम करेंगे। मंच पर हमारे भारतीय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए यूपी में 300 से ज्यादा सीटें भाजपा फिर जीत रही है। 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के खोजेंगे तभी पता नहीं चलेगा। जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको हटा चुकी है और जनता भाजपा को अपना चुकी है। लगातार 3 चुनाव जीते हैं और चौथा चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कन्नौज की सभा में जो पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे, इतना हस्तरहीन बयान उन्होंने दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जो पुलिस गुंडों को ठीक करने का काम कर रही है और गुंडे समाजवादी पार्टी जुड़े हैं तो उनका दर्द मुंह में आ गया। और मैं उनको बताना चाहता हूं, गुंडों को जो सेवा जारी है ना मार्च 2019 से 2017 से, वह सेवा 10 मार्च 22 के बाद भी जारी है। एक लोभी आपको मुख्यमंत्री, एक लोभी आपको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहिए क्या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में? चिंता मत करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, योगी जी।